नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत सारे ऐसे कुछ थेरीज हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने उनकी राय हम सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो ऐसे कौन सी थेरीज है कि जो कि हमारे सिलेबस में रखी गई है, तो इस थेरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों, शुरुआती में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि महर्षि कनाथ, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि दूसरे देशों के साइंटिस्ट के बारे में ही हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, उनके बारे में ही जानते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन इंडिया में भी, भारत में भी एक साइंटिस्ट हो गए कि उन्होंने एटम के बारे में अपनी राय देने की कोशिश की थी। और ऐसे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाथ, उन्होंने यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। और ये परमाणु उन्होंने भी ऐसा कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोले तो अनडिविजिबल, इसका अगर हम विभाग करना चाहे, अगर इसके दो भाग करना चाहेंगे तो दो भाग नहीं हो सकते, इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की थी। और अभी महर्षि कनाथ के बारे में, और इसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट है, जॉन डाल्टन होंगे, बहुत सारे हैं, उनकी भी थेरीज में आपको मैं देने वाला हूं अभी। लेकिन मैं शुरू में महर्षि कनाथ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि महर्षि कनाथ एक मुनि थे, इंडियन फिलोसोफर थे, और वो भी एक उनके भी दिमाग में मंजित की ते सुद्धा एक वैज्ञानिक होते, किंवा त्यांचा विज्ञाना संदर्भातला एक त्यांचा असा दृष्टिकोन होता। पण जनरली जर आपण जर पाहिलं, देवयानी बस दे, तर मग आपण बाहेर देशांच्या शास्त्रज्ञांच्या बाबतीतच आपण जाणून घेत असतो किंवा त्यांची माहिती घेत असतो, पण भारतामध्ये सुद्धा असे काही वैज्ञानिक होऊन गेले, असे काही संशोधक होऊन गेले की त्यांनी भारतामध्ये सुद्धा राहून सुद्धा एक जुन्या काळामध्ये विज्ञानाच्या संदर्भात बऱ्याच काही संशोधन, बऱ्याच काही गोष्टी त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यांनी सांगितलेलं आहे। मग अशा बाबतीत असे व्यक्ती म्हणजे भारतीय व्यक्ती म्हणजे कोण? महर्षि कनाथ। ओके, तर आता यांनी काय काय सांगितलेलं आहे पहा। तर महर्षि कनाथच्या नंतर इतर जे काही शास्त्रज्ञ असतील त्या शास्त्रज्ञांची आपण माहिती घेणार आहोत। पण प्रथम पाहूया आपण महर्षि कनाथच्या बाबतीत, सुरुवात करूया आपण महर्षि कनाथपासून। ओके, तर महर्षि कनाथ इंडियन फिलॉसफर वॉज द फर्स्ट हू वर्कड अबाउट ॲटॉमिक थिअरी इन 14th century। म्हणजे 14th century मध्ये त्यांनी ॲटमच्या बाबतीत त्यांनी आपलं मत सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, आणि त्यांची एक छोटीशी इमेज मी इथं तुमच्यासमोर दिलेली आहे, तुमच्यासमोर मी इथं ठेवलेली आहे महर्षि कनाथच्या बाबतीत। तर अशा प्रकारचे हे एक मुनी होते, आणि यांनी सुद्धा अणूच्या बाबतीत बऱ्याच काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत। पण मुळामध्ये मला असं सांगायचे मित्रांनो की या जगा मानव हा मुळामध्ये खूप चिकित्सक वृत्तीचा प्राणी आहे। माणसाला नवीन नवीन जाणून घ्यायला किंवा नवीन नवीन माहिती घ्यायला खूप आवडत असते। एखादी गोष्ट घडत असेल तर ती गोष्ट कशी घडते हे तेवढंच न पाहता ती गोष्ट का घडली याच्या पाठीमागचं बेसिक रिझन तो शोधून काढत असतो। म्हणून अशा स्वरूपामध्ये जरी हे छोटेसे पार्टिकल असतील तर हे दिसतायत आणि जगतायत किंवा फिरतायत वगैरे ह्या गोष्टी पाहून जिथल्या तिथं सोडून न देता शास्त्रज्ञांनी या छोट्या गोष्टी किती असतात आणि याच्यापेक्षाही छोट्या किती आहेत या संदर्भाची माहिती देण्याचा प्रयत्न शास्त्रज्ञांनी केलेला आहे। त्यापैकी भारतीय शास्त्रज्ञ म्हणून एक महर्षि कनाथच्या बाबतीत तुम्हाला मी इथं सांगितलेलं आहे। ओके, अकॉर्डिंग टू दी महर्षि कनाथ ऑल मॅटर्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिव्हिज्युअल टायनी पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। आताच तुम्हाला सांगितलं होतं मी त्याचं नाव त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, परमाणु। म्हणजे महर्षि कनाथ साइंटिस्टने एक इंडिविजुअल पार्टिकल को, यानी कि जिसका हम पार्ट नहीं कर सकते, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसके हम दो मिनिमम टू पार्ट्स भी नहीं कर सकते, इतने छोटे से कण को, इतने छोटे से पार्टिकल को, कण को उन्होंने नाम क्या दिया था, परमाणु, ऐसा नाम दिया था। इसलिए मराठी में परमाणु बॉम्ब, हिंदी में भी परमाणु बॉम्ब, म्हणजे अणु बॉम्ब, याला परमाणु बॉम्ब असं सुद्धा म्हटलं जातं।
ऐसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो विच वेयर लेटर नोन एज एटम, और उसे हम अभी अभी जो समझ रहे हैं वो एटम, बहुत साल पहले भारत में इंडिया में लोगों ने बताने का कोशिश किया था। इट मीन इंडिविजिबल एटमॉस। देखो एटम का बेसिक मीनिंग ही है एटमॉस। एटमॉस बोले तो जिसका हम पार्ट नहीं कर सकते, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं। ओके, लेकिन हम एटम के बारे में अगर सोचेंगे तो बहुत सारे बोलते हैं फिल्म में वगैरह बहुत सारे सॉन्ग रहते हैं, तो इस तरह से ये सॉन्ग नहीं है एटम। मराठी में इसे नमूना कहते हैं, नमूना, एटम, नमूना, मॉडल, मॉडल, नमूना, एटम। ओके, तो इस तरह का ये एटम नहीं है। तो ये एटम बोले तो परमाणु है, इंडिविजुअल पार्ट है, जिसका हम भाग नहीं कर सकते, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। ये रहा महर्षि कनात के बारे में। ओके, आगे मैं बताता हूं। नेक्स्ट वन इज दी जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन, डाल्टन साइंटिस्ट ने एटम के बारे में उनकी जो कुछ भी राय थी, उन्हें जो कुछ भी फील हुआ, उन्हें एटम ऐसा हो सकता है, एटम इस तरह से हो सकता है, उन्हें जो कुछ लगा उन्होंने एक थ्योरी में लिख के दुनिया के सामने रख दिया। भले चाहे ये थ्योरी फाइनली सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन एक इनिशिएटिव स्टेज दिए उन्होंने, यानी कि शुरुआती काल में उन्होंने एक ट्राई किया है दुनिया के सामने एक छोटे से छोटे छोटा छोटे से पार्टिकल के बारे में स्टडी करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो फिर जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या है एटम के बारे में? तो देखो, क्वेश्चन ऐसा भी आपको थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। किंवा मराठी मध्ये जर समजा असेल तर त्याला आपण डाल्टन्स थ्योरी द्या असं सुद्धा सॉरी। तो इसके बाद जॉन डाल्टन प्रोपोज्ड फॉलोइंग फीचर्स इन हिज पेपर पब्लिश्ड इन 1808। देखो दोस्तों, देखो बच्चों, अगर किसी को एटम के बारे में, किसी एक टर्म के बारे में अगर स्टडी करना है, तो उन लोगों को उन्हें जो कुछ भी लगता है वो पेपर पे लिख के, एक दुनिया के जो कुछ भी साइंटिस्ट रहते हैं उनका अभी अभी तो पेपर पब्लिश हुआ होता है, पेपर पब्लिश करते हैं, तो उसी तरह के एक पेपर में उन्होंने जो कुछ भी उनको लगा एक पेपर में लिख दिया। पेपर बोले तो ऐसा डेली न्यूज का पेपर नहीं रहता, एक मैगजीन रहते हैं उनके एक इंटरनेशनल लेवल के पेपर्स रहते हैं, और पेपर में उन्हें जो कुछ लगा, उनके जो कुछ रिसर्च है वो रिसर्च पब्लिश करने के लिए वहां देना पड़ता है, और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल जो टीम रहती है वो टीम देखती है कि ये पहले किसी ने इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया है क्या। अगर पहले कुछ रिसर्च किया होगा तो वो रिजल्ट किया जाता है, अगर नई रिसर्च और ये फसली रहता है, समझो फ्रेश रिसर्च रहता है, तो वो दुनिया के जो कुछ भी साइंटिस्ट रहते हैं, जो कुछ भी फिलोसोफर्स रहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं और उसके थ्योरी को मान्यता दे देते हैं। तो इसी तरह से जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में उन्होंने अपने पेपर में कुछ लिखा था। तो कैसा था वो? तो देखो, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम्स कैसे है? एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल यानी कि जिसका हम डिवाइज नहीं कर सकते, उसे हम डिविजिबल नहीं कर सकते, उसका हम पार्ट नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन में देखो, मैटर विच टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट लेता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विच टेक्स पार्ट, ये देखो टेक्स पार्ट यानी कि केमिकल रिएक्शन में ये पार्ट लेता है, भाग लेता है। ओके, ये रहा। और उसके बाद एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो जॉन डाल्टन ने कहा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद नहीं बता रहा, जो डाल्टन ने बताया उसके बारे में। तो क्या है? एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम को हम जनरेट नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते, उसकी निर्मिति नहीं कर सकते, और उसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते। यानी कि हमारे हाथ में उसका निर्माण या उसका नष्ट करना हमारे हाथ में नहीं है, हम वो नहीं कर सकते। यानी कि ह्यूमन कैन नॉट बी डू,
वो हम नहीं कर सकते, यानी कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल. ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहा उन्होंने, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट बोले तो कॉपर का एलिमेंट, कॉपर का एटम होगा तो कॉपर के जितने भी कुछ एटम होंगे, जितने भी सारे एटम्स होंगे, वो हर एक एटम सेम होगा, सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा. आइडेंटिटी, जैसे हम बोलते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं. तो आइडेंटिटी कार्ड बोले तो एक इस तरह से कि हम और आइडेंटिटी पे जो कुछ है ये पूरा पूरा मैच होता है, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं. तो आइडेंटिकल इन शेप, यानी कि समझो एटम कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, आयरन का हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, हाइड्रोजन के हो, किसी के भी हो, किसी के कौन से भी एटम के हो, लेकिन उन्हीं एटम, उन्हीं एलिमेंट के अगर सेम एटम, उन्हीं एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स आप अगर लेते हैं तो उन सब का शेप सेम ही रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है, आइडेंटिकल रहता है. ये हिस्सा, यानी कि ये समझो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, मैं आपको यहां एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं. तो ये भी सेम, ये भी, ये भी, ये भी, और ये पूरे अगर एक ही एलिमेंट के हैं तो ऑल एटम्स आर सेम. ओके, इस तरह से. इसके बाद साइज, सेम आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड शो इन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. खाली शेप ही नहीं तो उनका साइज भी आइडेंटिकल रहता है, सेम रहता है. शो सिमिलर फिजिकल, सिमिलर फिजिकल बोले तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, फिजिकल बोले तो भौतिक प्रॉपर्टीज, बोले तो गुणधर्म. केमिकल बोले तो रसायन, रासायनिक प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, जो उनके रासायनिक गुणधर्म जो रहते हैं वो सारे सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स है तो. अगर आप कहेंगे एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा नाइट्रोजन का है, तो इसका ये तीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम लिए हमने, दूसरे नाइट्रोजन की भी तीन ले लिए, तो ये तीनों सेम हो सकते हैं, ये तीनों सेम हो सकते हैं, लेकिन ये पूरे सिक्स सेम नहीं हो सकते, नहीं तो ये दोनों भी सेम नहीं हो सकते, खाली ये तीन सेम हो सकते हैं और ये तीन सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये कैसे है, सेम एलिमेंट के एटम्स आर सेम इन शेप साइज एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर इन अ सिंपल रेशियो. एटम्स ऑफ, देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट के जो कुछ भी एटम्स हो गए, वो एटम्स हम क्या कर सकते हैं, बोले एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो. यानी कि दो एटम, तीन एटम, समझो एक एलिमेंट के हो, दो एलिमेंट के हो, दो डिफरेंट एलिमेंट के हो, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हम कंबाइन कर सकते हैं. तो कंबाइन करने के बाद उनका जो रेशियो रहता है, तो वो रेशियो समझो 1:1, यानी कि यहां मैंने आपको बता दिया, समझो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों मिला के बन जाते हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और समझो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, ये दोनों मिला के बन जाता है N2 नाइट्रोजन गैस. ओके, इस तरह से दूसरा ये 1:2 बोले तो H2O, H2O, दूसरा सेकंड बोलेंगे तो H2, ये सेकंड है, 2:1, दिस इज दी H2O, और दूसरा अगर हम बोलते हैं 1:2, तो 1:2 का एग्जांपल होगा CO2, यानी कि एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, ये 1:2, ये H2O, दिस इज H2O, एंड थर्ड वन इज दी, समझो आप दूसरा कौन सा भी HBr, नहीं तो दूसरा भी कुछ तो एलिमेंट आप एग्जांपल ले सकते, यानी कि 1:2, समझो A1B3, ऐसा भी एक स्पेसिमन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. तो इस तरह से बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद एक नया कंपाउंड तैयार होता है, एक संयुक्त तैयार होता है. ओके, तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन जॉन डाल्टन ने बताया है. इसके बाद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बता दिया. दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड आफ्टर द सेंचुरी ड्यू टू द सेवरल साइंटिस्ट प्रूव्ड विथ एक्सपेरिमेंट एज एटम इज डिविजिबल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सर्टन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स.
लेकिन ये थ्योरी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। क्यों रिजेक्ट कर दी गई? तो एटम शुरू में उन्होंने क्या कहा था कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन एटम को ब्रेक जान, बाद में साइंटिस्ट लोगों ने एटम को कैसा ब्रेक किया जाता है, किस तरह से ब्रेक होता है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया और एटम को भी डिविजिबल कर दिया, एटम को भी विभाग कर दिए। और उसके उस बेस के ऊपर ही जो एटम बॉम्ब बोलते हैं हम, परमाणु बॉम्ब, अणु बॉम्ब, तो जो बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब जो है, तो वही इसके ऊपर ही वर्किंग करता है, यानी कि एटम का ब्रेकिंग होता है। यहां वहां न्यूट्रॉन्स का मारा करने के बाद, न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डिंग करने के बाद एटम का न्यूक्लियस ब्रेक होता है और ब्रेक होके एक न्यूक्लियस का रूपांतर दो या तीन डिफरेंट न्यूक्लियस में उनका कन्वर्जन किया जाता है। यानी कि इस तरह से जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी, वो बाद में रिजेक्ट कर दी गई। और जॉन डाल्टन क्या कहते थे कि वो इंडिविजुअल है कहते थे, लेकिन ये साइंटिस्ट लोगों ने ये डिविजिबल है ये प्रूव करके दिखाया, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सर्टन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये सर्टन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है, ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव करके दिखाया। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन थे? तो 10 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। बेसिकली हम कौन से देखते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। लेकिन इसके ऐसे टोटली 10 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है लेटेस्ट में, अभी के मॉडर्न एज में, अभी के दिनों में 10 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर रहते हैं, एटम के अंदर। खाली हमें इतने तीन ही पार्टिकल्स पता है। तो इस तरह से जॉन डाल्टन की और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल। तो उनको कौन सा पार्टिकल कहा गया? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसा कहा गया है। ओके, तो इस तरह से रहा जॉन डाल्टन थ्योरी। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से? तो ये फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम देखते हैं। फंडामेंटल को मराठी में मूलभूत बोलते हैं, मूलभूत, और डिराइव्ड को हम साधित कहते हैं मराठी में, और हिंदी में भी मूलभूत को ही मूलभूत ही कहते हैं, मूलभूत, बेसिक, बेसिक नीड्स, ओके, गरजा। तो क्या है? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो एटम में जो बेसिक पार्टिकल्स है वो कौन से है? तो देखो, व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये थियोरेटिकल पार्ट में। ओके, तो ये देखो, हेलियम एटम आपको मैं यहां दे रहा हूं। तो हेलियम एटम में क्या क्या है देखो, एक है प्रोटॉन, ओके, ऐसे इस तरह से प्रोटॉन है। उसके बाद इसमें ये जो एटम दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आउटर साइड में इस तरह से शेल रहती है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। उसके बाद ये अंदर जो है, इन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके, हीलियम का एटम मैं आपको बता रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर एक कक्षा में रिवोल्यूशन करते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, इन दोनों के बीच जो कुछ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इनके बलबूते पे वो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व सराउंड दी न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रोटेशन करता है अपने न्यूक्लियस में। लेकिन अंदर जो आप ये देख रहे हैं न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, यानी कि देर इज नो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन डजेंट कैरी एनी टाइप ऑफ चार्ज। तो इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। देखो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके ऊपर, इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह, लेकिन इसे क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, इसके बाद हम देखने वाले हैं कैथोड रेज। ये तो थ्योरी वैसे भी अपने सिलेबस में, जो बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड का जो सिलेबस है, बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं दी गई है, लेकिन ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एटम का इन्वेस्टिगेशन, एटम का रिसर्च आपको जानना है, एटम का रिसर्च कैसा हुआ, एटम की खोज कैसी हुई, अगर ये आपको जानना है तो आपको इसके बारे में लर्न करना बहुत जरूरी है। तो कैथोड रेज बोले तो क्या है, और कैथोड रेज कैसे तैयार किए जाते हैं और कैसे कैसे बनाए जाते हैं, तो चलो देखते हैं कैथोड रेज, डिफरेंट थ्योरीज है। ओके, तो देखो, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कैथोड रेज, व्हाट आर कैथोड रेज, हाउ वी कैन प्रोड्यूस कैथोड रेज,
ओके इस तरह से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी में वगैरह, सीबीएसई के सिलेबस में है ही है, लेकिन स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में. ओके तो रेडिएशन फ्रॉम द कैथोड, देखो कैथोड आपको पता है, अगर सेल है तो सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, एनोड और कैथोड. अगर कोई रेज, अगर कोई पार्टिकल्स एनोड से निकलते हैं तो उसे उन्हें हम एनोड पार्टिकल्स कहेंगे, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स कैथोड से निकलते हैं. मीन्स दीज पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम दी कैथोड, सो दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कैथोड पार्टिकल्स, बट दे आर कम इन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम के स्वरूप में बाहर आते हैं, तो सो इट इज कॉल्ड एज कैथोड रेज. तो कैसे देखो, देखते हैं, रेडिएशन फ्रॉम कैथोड फेन अ हाई पोटेंशियल, कितना 10,000 वोल्ट, हाई पोटेंशियल 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस गैस, 10,000 अक्रॉस गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, और डिस्चार्ज ट्यूब में एक प्रकार का गैस रखा है, कौन सा गैस है मैं आगे आपको बताने वाला हूं, एक गैस रखा है, और गैस में जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स बिठाए वाले रहते, आगे फिगर है उसकी, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स बिठाए रहते, एक एनोड रहता है, एक तरफ से कैथोड रहता है, और अंदर बहुत लो प्रेशर रहता है, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, यानी कि वो जो ट्यूब रहती है वो ट्यूब में पूरा वैक्यूम किया दिया किया रहता है, और वैक्यूम की वजह से हाई पोटेंशियल वहां जनरेट दिया, हाई पोटेंशियल का सप्लाई किया दिया जाता है. हाई पोटेंशियल बोले तो 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट इतना पोटेंशियल दिया जाता है, और इतना पोटेंशियल देने के बाद डिस्चार्ज गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर आर कॉल्ड कैथोड रेज. ये थोड़ा सा आजू बाजू में कपड़े धोने की प्रोसेस वगैरह चालू है, इसके वास्ते ये थोड़ा सा आवाज भी आ रहा है, तो हम देखते हैं. ओके तो ये रहा एक कैथोड ट्यूब है, इस तरह से एक कैथोड ट्यूब, और इस तरह से एक कैथोड ट्यूब है, इधर से एक कैथोड बिठाया जाता है, इधर से एक एनोड लगाया जाता है, तो कैथोड और एनोड इस तरह से लगाने के बाद एक इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है इधर, इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहता है 10,000 वोल्ट, और यहाँ हाई वोल्टेज बोले तो 10,000 वोल्टेज सप्लाई किया दिया जाता है, और अंदर वैक्यूम रहता है, टू वैक्यूम पंप, यानी कि अंदर की जो एयर रहती है वो एयर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हाई वोल्टेज सप्लाई करने के बाद यहां से कुछ रेडिएशंस बाहर पड़ते हैं, और जो रेडिएशंस बाहर पड़ते हैं उन्हें हम कैथोड रेज कहते हैं, और दीज कैथोड रेज आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दी एनोड. ओके इसे हम कैथोड रेज कहते हैं, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन वे फ्रॉम द कैथोड, फेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन दियर पाथ, अ शार्प शैडो ऑन वॉल अपोजिट टू द कैथोड अपीयर्स. अगर यहां हम कुछ तो एक शेप रहते हैं, एक स्टार वैसा स्टार वगैरह कुछ तो एक पेपर का शेप करके अगर रस्ते में पकड़ा, सब आपने रस्ते में होल्ड कर दिया इसे, तो इसकी जो शैडो रहती है तो शैडो इधर एनोड की सरफेस में पड़ जाती है. समझो एक स्टार, पेपर का स्टार करा आपने, पेपर की म्हणजे ज्याला आपण म्हणूया एक पेपरची चांदणी केली, एक कोणता तरी आकाराची चांदणी केली आणि याच्या रस्त्यात धरली, तर याची सावली इथं समोर पडते, कॅथोड रेज. ओके तो दे ट्रॅव्हल इन स्ट्रेट लाईन वे फ्रॉम द कॅथोड, फेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन दियर पाथ, अगर यहां पकडा तो अ शार्प शॅडो ऑन द वॉल अपोजिट टू कॅथोड अपीयर्स, कॅथोड के अपोजिट, ये कॅथोड है, इधर एनोड की साइड में आपको ये इस तरह से शेप मिल जाता है. उसके बाद कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, फैन अ पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन दियर पाथ, द व्हील रोटेट दस दे पजेस द काइनेटिक एनर्जी एंड मस्ट मटेरियल पार्टिकल, मस्ट बी मटेरियल पार्टिकल. अगर यानी कि एक छोटा सा पेपर का व्हील करके आपने अगर यहां रख दिया सेंटर में, एक छोटा सा पेन वगैरह पकड़ के, और इसके ऊपर अगर कैथोड रेज हैमर हो गए, इंसिडेंट हो गए, तो ये व्हील भी रोटेट करता है, यानी कि जो रेज रहते रेज में भी कुछ एक टाइप की एनर्जी रहती है, वो एक एक प्रकार का फोर्स अप्लाई करते हैं उन्हें, यानी कि ये जो व्हील अगर आपने अंदर बिठा दिया तो ये व्हील भी रोटेट होता है. इसके बारे में मैं एक वीडियो आपको मैं पोस्ट करूंगा, एक लाइव सेशन में दिखाऊंगा मैं आपको. ओके तो कैथोड रेज कॉजेस फ्लोरोसेंस अ ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास सरफेस डिस्चार्ज ट्यूब, अगर जहां ये कैथोड रेज इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट करने के बाद वहां वो ग्लो होते हैं, वहां वो चमकते हैं, क्योंकि वो कैथोड से निकलते हैं, कैथोड से वो इमर्ज आउट होते हैं. थोड़ा सा जल्दी पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि लैपटॉप की भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है,
इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है यहाँ, ट्रैवल विथ हाई स्पीड अप्रोचिंग दैट दी लाइट, और इनका जाने का जो कुछ भी वेलोसिटी रहती है वो वेलोसिटी कितनी रहती है, लाइट के स्पीड के बराबर इनका ट्रैवलिंग होता है. दे प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक मेटल फॉइल इट बिकम्स हॉट. अगर किसी मेटल के ऊपर ये इंसिडेंट करेंगे आप इसको करेंगे तो मेटल के सरफेस को ये हीट करता है, वो गर्म करता है. उसके बाद कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कैरिंग द नेगेटिव चार्ज दे डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि इसमें अगर आप इस तरह से इधर एक पॉजिटिव प्लेट लगाएंगे, इधर एक नेगेटिव प्लेट लगाएंगे, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होते हैं. यानी कि इधर ये पॉजिटिव प्लेट लगाने के बजाय अगर आप इधर इस साइड को लगाते हैं तो ये पॉजिटिव साइड को, पॉजिटिव डायरेक्शन को ये डिफ्लेक्ट होता है. यानी कि देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इसके लिए ये पॉजिटिव की तरफ बेंड होते हैं. ओके, और इसके बाद नेक्स्ट आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पासेस. आयोनाइज द गैस यानी कि जिस तरह जिस गैस में से ये ट्रैवल करते हैं तो उसी गैस को ये आयोनाइज करते हैं, उसका आयोनाइजेशन करते हैं, उनका आयोन के फॉर्म यानी कि जो गैस है उस गैस का कन्वर्जन आयोन के स्वरूप में किया जाता है. उसके बाद लास्ट पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड रे मटेरियल्स यूज्ड इज द डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, देखो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर यहां डिपेंड नहीं करता. द कैथोड मटेरियल्स यूज्ड इज द डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, देन कैन पेनिट्रेट थ्रू द मेटालिक शीट, यानी कि ये मेटालिक शीट से भी पेनिट्रेट होते हैं, मेटालिक शीट से भी जाते हैं. फैन फॉल्स ऑन सॉलिड सच एज कॉपर एक्स रेज आर प्रोड्यूसर. अगर ये कैथोड रेज कॉपर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, कॉपर के ऊपर आप इंसिडेंट करने के बाद जब वो बाहर रिफ्लेक्ट होंगे तो रिफ्लेक्ट होने वाला जो रेज रहता है वो रेज एक्सरे में उसका कन्वर्जन होता है. ओके, एंड देन इसके बाद हम देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दोस्तों इस वीडियो के लिए अभी हम